जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। इसका नाम है Redmi Note 10 Pro। आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। Redmi Note 10 Pro में हमने इंस्टॉल किया हुआ है Pixel Experian Plus ROM, जो कि Android 13 बेस ROM है। इसको मैं इंस्टॉल करने के बाद काफी टाइम तक यूज किया। इस वीडियो में आपको इस ROM की कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, साथ ही साथ डिवाइस का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या कुछ नए फीचर्स मिल जाते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, कंप्लीट डिटेल Pixel Plus Experian ROM की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो इंटरेस्टिंग एंड तक जरूर देखिएगा। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर डिटेल चेक करवा देता हूँ। अबाउट फोन सेक्शन ओपन करेंगे, देन आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन में आपको पिक्सल एक्सपीरियन प्लस सुइट 13.0 इसका वर्जन है। साथ ही साथ इसको इंस्टॉल करने के बाद लेटेस्ट 5 जनवरी 2023 का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। अगर एंड्रॉयड वर्जन पे आप 3 टाइम 4 टाइम टाइप करेंगे, उसके बाद क्लॉक में 1 से टाइप करेंगे, आपको एंड्रॉयड 13 का स्टरेक भी शो होगा। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे देन आपको अलग अलग एनिमेशन और पॉपअप भी इस स्टरेक में प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि एंड्रॉयड 13 का कम्प्लीट स्टरेक माना जाता है। रोम को इंस्टॉल करने के बाद अगर हम बात करते हैं कुछ फीचर की, होम स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। होम स्क्रीन पे आप जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे आपको होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आपको टॉप पे वॉलपेपर एंड स्टाइल मिल जाती है। यहाँ पे आपको अलग अलग वॉलपेपर प्रोवाइड किए गए हैं। चेंज वॉलपेपर पर टाइप करने के बाद आप लोग देखेंगे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, और जो वॉलपेपर का कलेक्शन है काफी अमेजिंग कलेक्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग बेसिक कलर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कलर पैलेट को चेंज कर सकते हैं। वहीं पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो बेसिक कलर्स हैं उनमें से कुछ जो एकदम हमारे सॉलिड कलर होते हैं वही आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाता है, थीम्ड आइकॉन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करेंगे देन आपके थीम पे जो कलर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो वॉलपेपर पे उसके अकॉर्डिंग जितने भी होम स्क्रीन पे एप्लीकेशंस होंगे आइकॉन उनके होंगे वो चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ऐप ग्रिड का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पे होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की बात करें यहाँ पे विजेट्स के ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। विजेट्स में आपको अलग अलग विजेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे जो क्लॉक वाला विजेट है पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पे आपको अलग अलग क्लॉक की कैटेगरीज मिल जाती है जिसको आप अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं होम स्क्रीन सेटिंग की, देन आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स ऑप्शन दिए गए हैं। कंट्रोल पैनल की बात करें बिल्कुल आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा शो होता है, बड़े बड़े टॉगल मिल जाते हैं। ब्राइटनेस बार आपको डिस्प्ले के टॉप पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको एडिट बटन मिलती है जिसपे आपको अलग अलग जो टॉगल्स हैं उनको आप ऊपर की साइड में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा डिम का भी फीचर मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप डिवाइस को रात में यूज करते हैं देन जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है काफी ज्यादा लो हो जाती है। इसके अलावा आप लोग नोटिस करेंगे कि अगर कोई भी आप म्यूजिक प्ले करते हैं यहाँ पे जो म्यूजिक प्लेबैक का बार है वो आपको थोड़ा सा वेवफॉर्म में शो होता है, जो कि बिल्कुल यूनिक सा लुक आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप लोग नोटिस करेंगे कि आपके बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन एक्टिव हैं वो भी आपको नोटिफिकेशन बार में शो हो जाता है। पावर बटन को नीचे आपको प्रोवाइड कर दिया गया नोटिफिकेशन बार में, इस पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है जिस पर टाइप करने के बाद आप सेटिंग ओपन कर पाएंगे। वहीं पर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल की, अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए गए हैं। लॉन्ग प्रेस करके जितने भी नोटिफिकेशन के आपके सेटिंग्स हैं आप उनको भी एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कैमरा की। बिल्कुल बेसिक सा आपको यहाँ पे कैमरा प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको फोटो मोड, वीडियो मोड, उसके साथ ही साथ स्कैन का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको कैमरा में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बट आप इसमें जी कैम इंस्टॉल कर सकते हैं। जी कैम के जितने भी लेटेस्ट पोर्ट्स हैं सब इसमें वर्क करते हैं, कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जी कैम के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें इंस्टॉल करके आप जी कैम को यूज कर पाएंगे। बायोमेट्रिक्स की बात करें दोस्तों, इस रोम में फिंगरप्रिंट स्कैनर परफेक्टली वर्क करता है। एनिमेशन भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर के साइड से डिस्प्ले के लेफ्ट साइड में पॉपअप होता हुआ शो होता है। इसके अलावा फेस आईडी की बात करें आप लोग नोटिस करेंगे वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है, आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सेटिंग्स की। बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसी आपको सेटिंग मिल जाती है, सारे ऑप्शन आपको सेम टू सेम वैसे ही मिलते हैं, कोई खास आपको यहाँ पे चेंज नोटिस नहीं होगा, सेम स्टॉक एंड्रॉइड जैसी। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिस्प्ले में हायर रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग नोटिस करेंगे आपको मिनिमम और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको 120 पे यूज करना है आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को 120 पे सेटअप कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल के, मैंने आपको जो ऑप्शन बताए वही ऑप्शन आपको यहाँ सेटिंग में भी प्रोवाइड किए गए हैं। सिक्योरिटी वाइज बात करते हैं आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम चलते हैं गूगल प्ले स्टोर में, यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि जो डिवाइस की सिक्योरिटी अबाउट सेक्शन में आपको मिलती है यहाँ पे आपको प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन भी डिवाइस सर्टिफाइड शो करता है, यानी बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह भी आप यूज कर पाएंगे, आपको कोई इशू यहाँ पे नोटिस नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको कंप्लीट बिल्कुल बेसिक सी यूआई मिल जाती है, डिजिटल बिल पेइंग का भी सपोर्ट इसमें प्रोवाइड किया गया है। सो ओवरऑल बिल्कुल जैसे आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है कुछ उसी तरह से यहाँ पे आपको मिलने वाला है सारे ऑप्शन और फीचर्स। इस रोम को इंस्टॉल करने के बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों डिवाइस के परफॉर्मेंस की, मुझे काफी स्मूथ परफॉर्मेंस नोटिस हुआ। 120 हर्ट्ज बिल्कुल भी आपको लैग जिटर नोटिस नहीं होगा। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे बिल्कुल सिंपली आप लोग देखेंगे ओपन हो जाता है, लैग
जिटर भी आपको ज्यादा नोटिस नहीं होता है जितना आपको MIUI में नोटिस होता था। उसके अलावा हम बात करते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करना हुआ, मल्टीटास्किंग करना हुआ, काफी मुझे स्मूथ परफॉर्मेंस इस रूम में नोटिस हुआ। उसका एक रीजन भी है कि MIUI 13 काफी ज्यादा हाई MIUI है जिसकी वजह से डिवाइस काफी ज्यादा लैग करती है, हैंग होती है, कुछ एप्लीकेशन क्रैश हो जाते हैं कभी कभी, बट इस पिक्सल एक्सपीरियंस रूम में मुझे ऐसा कुछ नोटिस नहीं हुआ जिसकी वजह से डिवाइस काफी ज्यादा हैंग या लैग करे, जिटर भी बिल्कुल नोटिस नहीं हुआ। उसके साथ ही साथ दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस भी मुझे काफी अच्छा मिला, चार्जिंग टाइम आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 1 घंटे 30 से 35 मिनट में डिवाइस चार्ज हो जाती है। बैटरी की बात करें तो आपको अप्रॉक्स 8 से 10 घंटे का हायर रिफ्रेश रेट पे स्क्रीन ऑन टाइम भी प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल अभी तक मैंने जितने भी कस्टम रोम इंस्टॉल किए हुए हैं उसमें से मुझे सबसे स्मूथेस्ट रैम रेडमी नोट 10 प्रो के लिए पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एंड्रॉयड 13 बेस रोम नोटिस हुआ। अगर आप अपने Redmi Note 10 Pro या Redmi Note 10 Pro Max में Pixel Experience Plus इस रोम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बट उससे पहले आपको अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। उसके बाद आपको कोई भी एक कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी होगी, चाहे TWRP चाहे Orange Fog। उससे पहले आप अपने डेटा का बैकअप ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रोम को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद सिंपली फ्लैश करेंगे आपकी भी डिवाइस में रोम इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं Redmi Note 10 Pro में Pixel Experience, Pixel OS और MIUI 14 रोम को भी इंस्टॉल किया है। कैसे किया है, क्या फीचर्स मिलते हैं, डिवाइस का कंप्लीट रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन पिन कमेंट में मिल जाएगी, कंप्लीट उनको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जय हिंद।